और आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ यूनियन पे बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ पे कि लोग ऐसे लटके पड़े हैं इधर उधर पेड़ों के नीचे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम घुमाने वाले हैं आपको अजमान है यूनियन पर, तो यूनियन से आज आपको घुमाने वाले हैं हम, और आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ यूनियन पे बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ पे कि लोग ऐसे लटके पड़े हैं इधर उधर पेड़ों के नीचे। अभी हम बस स्टैंड की तरफ चल रहे हैं, अभी देखते हैं बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ तक मेट्रो तो जाती नहीं है, तो अभी हम बस खोज रहे हैं। तो गाइस अभी 12:30 हो रहे हैं और जो हमारी बस है ये E400 अजमान 1 बजे आएगी, तो यहाँ पे ये सारी बसें हैं जो यहाँ पे आने वाली हैं और कुछ ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये 3-3 ड्यूल बस आ चुकी हैं। एक यहाँ पे ड्यूल बस हमारे लिए यहाँ पे आएगी 8वें नंबर पे, देखते हैं कितनी देर तक पहुँचती है। तो दोस्तों अब हम बस में आ चुके हैं, ये जो बस है डबल डेक बस है जिसमें कि हम ऊपर बैठ गए हैं, तो अब हम अजमान के लिए निकलते हैं। अजमान जाने के लिए उमर बिन खत्तूब रोड और फिर उसके बाद अल राशिद रोड से शारजा से होते हुए, इसके बाद अल इतिहाद रोड से होते हुए अलवादा स्ट्रीट एंड इसके बाद शेख हमदान बिन साकर अल कासिम स्ट्रीट से होते हुए, इसके बाद से खलीफा बिन जायद रोड। बस में जाने के लिए 15 दिरहम लगता है और अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो 100 से 150 तक इसका बिल पहुंच सकता है। दुबई के कंपैरिजन में यहाँ पे रेंट जैसे कि 1 BHK 20 से स्टार्ट होता है, 20,000 से, और दुबई में यही रेट जो होता है 1 BHK का 30 से 40,000 से स्टार्ट होता है। ये रेंट कुछ 6 चेक में देना होता है, अगर आपको पार्किंग की ज़रूरत होती है तो 2,000 इसके अलग से होते हैं। तो इस तरीके से है यहाँ का रेंट वगैरह। और अजमान दुबई से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। अजमान 7 अमीरातों में से सबसे छोटा है, जिसका माप लगभग 260 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्र लगभग 0.3% है। अजमान के कुछ रेतीले समुद्र तट हैं लेकिन अधिकतर उबड़ खाबड़ पर्वती हैं यहाँ पे। हालांकि एक मॉडर्न सिटी है, ये हमेशा अप टू डेट सेवाएं देता है। तो अजमान जो है कि यहाँ की अनुमान जनसंख्या जो है 5.5 लाख से ऊपर ही है, और ये नॉर्थ साइड में अरबियन गोल्फ के तट पर है। ये शारजा से होते हुए और उम अल केन के बीच में है। Thank you.
पहुंच गए हम अजमान, तड़कती फड़कती धूप में। ओहो, बहुत खतरनाक धूप लग रही है। ऐसा है अजमान और हम पहुंच गए अपने घर पे। ये किसी ने घोड़ों का अस्तबल बनाया होगा, हमने यहीं पे कब्जा कर लिया। अब ये घर बिका हुआ है। अगर आप यहाँ अजमान में आते हैं तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे कि घूमने के लिए बहुत बढ़िया है, आप ये देख सकते हैं।
गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।